डियर स्टूडेंट्स, आज हम मस्क मिलन बनाएंगे। मस्क मिलन को हिंदी में खरबूजा बोलते हैं और ये ओवल शेप में है, पूरा ओवल शेप में है और ये उसका अंदर का पार्ट है। ठीक है, पहले हम ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कलरिंग करेंगे। यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने इसे खींचा हुआ है, हाफ सर्कल इधर और हाफ सर्कल इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाफ सर्कल इधर बना लेते हैं ऐसे, इस तरह से ये हाफ सर्कल हो गया। और हाफ सर्कल अब हम इधर से बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे अच्छे से। ये बन गया ओवल शेप, ओवल शेप बन गया। ठीक है, इसके बीच वाला ये लाइन हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका पैटर्न बना देंगे इस तरह से। इस तरह से हम पैटर्न बना देंगे ऐसे, ये इसका पैटर्न बन गया। ये हो गया। अंदर का ये पार्ट हो गया। इस तरह से मैंने पैटर्न बना दिया। अब ये अंदर का छोटा छोटा ये है, इस तरह से इसको दुनिया भर का ये बना देंगे। इस तरह से ये पूरा पैटर्न, इस तरह से ये छोटा छोटा ये बनेगा। ये इसके अंदर का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से ये पैटर्न बन गया। ठीक है, अब ये अंदर वाला पार्ट बना देते हैं हम। ये अंदर वाला पार्ट भी बहुत ईजी पैटर्न बन गया। ठीक है, अब ये अंदर वाला पार्ट बना देते हैं हम। ये अंदर वाला पार्ट भी बहुत ईजी है। ये हो गया, और ये हो गया इसका अंदर का पार्ट, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ड्राइंग हम इसको पूरा कंप्लीट, और ये पैटर्न वाला कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमारा ये कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पूरा पैटर्न कंप्लीट कर दिया है, अंदर का पूरा पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। और मैंने स्केच पेन से भी इसको आउटलाइन कर दिया है। ये स्केच पेन से मैंने यह बाहर का आउटलाइन कंप्लीट किया है, और जेल पेन से मैंने अंदर का पैटर्न इसको ड्रॉ कंप्लीट कर दिया है, और ये हमारा अंदर का पार्ट हो गया। अब हम इसको कलरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डार्क ग्रीन ले लेते हैं, ये डार्क ग्रीन लेके हम इसको इसको पूरा दे देते हैं। ये इस तरह से मैंने डार्क ग्रीन दे दिया अंदर का, और यहाँ पे पहले मैंने येलो दे दिया थोड़ा अंदर में ऐसे, येलो दे दिया। ये येलो दे दिया। येलो देने के बाद ये मैंने इसके ऊपर लाइट ग्रीन थोड़ा सा
यहाँ पे अब मैं इसके अंदर लाइट ग्रीन दे रहा हूँ, ये लाइट ग्रीन है। ये लाइट ग्रीन मैंने दे दिया। ये लाइट ग्रीन मैंने दे दिया। इस तरह से लाइट ग्रीन दे दिया। और ये जो छोटा छोटा पैटर्न है इसके अंदर मैंने ये बॉडी कलर दिया हुआ है, ये बॉडी कलर इसके अंदर मैंने दिया है। ये बॉडी कलर दिए, ठीक है। ये बॉडी कलर मैंने इस तरह से इसको मैंने पूरा कलर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से मैं ये सबको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पूरा कलर कंप्लीट कर दिया जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और पूरा पैटर्न, ये पैटर्न को भी कंप्लीट हो गया और अंदर का ढक्कन भी कंप्लीट हो गया। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, ये हल्का सा हम यहाँ पर येल्लो लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद ये ऑरेंज कलर, हल्का सा ऑरेंज ऐड कर देंगे। हल्का सा ऑरेंज ऐड करने के बाद हम इसको येलो दे देंगे। कर देंगे और ये नीचे में हल्का सा ये डार्क ग्रीन। ठीक है, पूरा ड्राइंग और कलरिंग कंप्लीट हो गया और आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि मैंने ये सब कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है, ठीक है। आप सब अपने घर में इसको ट्राई करना। ओके बाय।